डॉक्टर साहब, बहुत चिंता हो रही है। मेरी गुड़िया 15 साल की हो गई है और अभी तक उसे पीरियड्स आना नहीं स्टार्ट हुए हैं। या फिर मैम, मेरी बिटिया तो अभी 8 साल की है और उसे पीरियड्स आ रहे हैं। अभी उसकी क्लास में किसी को भी पीरियड्स नहीं आए हैं। इस तरीके की बहुत सारी क्वेरीज आप लोगों के पास होती हैं और जो मैंने भी अपने 20 साल के इस करियर में नोट किया है। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में, जो बच्चों को माहवारी शुरू होती है, जिसे मेनार्की कहते हैं, या प्यूबर्टल चेंजेस क्या होते हैं, या प्यूबर्टी क्या होती है। तो वेलकम टू माय चैनल वुमेन वेलनेस बाय डॉक्टर आनंदिता, जहां हम बात करते हैं उन हर छोटी बड़ी बातों के बारे में जो आप डिस्कस करना चाहते हैं एक डॉक्टर से। तो मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो में हम उन मदर्स को जिनकी टीनेज गर्ल्स हैं, या फिर उन बच्चों को जो अभी मेनार्की में एंटर किए हैं या पीरियड्स आना शुरू हुए हैं, उनके नॉलेज का कुछ शेयर कर पाएंगे। तो पहले हम जानते हैं कि प्यूबर्टी होता क्या है। तो प्यूबर्टी वो चेंज है जिसमें एक बिटिया या छोटी गुड़िया हमारी बचपन से चेंज होती है एक यंग एडल्ट में। उसमें आने वाले जितने भी फिजियोलॉजिकल या उसके शारीरिक चेंज हैं, उन सब चेंजेस को मिला जुला कर हम प्यूबर्टी कहते हैं। इसमें उसके शरीर में, उसके गर्भाशय में, उसके अंडाशय में कुछ चेंजेस होना शुरू होते हैं, जिसका पता आपको जब उसे माहवारी आना शुरू होती है, जिसे हम मेनार्की कहते हैं, उस समय पे पता लगता है कि प्यूबर्टी स्टार्ट हुआ है। प्यूबर्टी लड़कियों में 8 से लेकर 14 साल तक कभी भी हो सकते हैं ये चेंजेस। और इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि हाइट में चेंज आना, ब्रेस्ट में चेंज आना, हेयर ग्रोथ ज़्यादा बढ़ना, पीरियड्स का स्टार्ट होना। हम धीरे धीरे करके एक एक करके इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि प्यूबर्टी होता क्यों है। तो ये सब चेंज जो है वो हमारे दिमाग से शुरू होता है। दिमाग में एक हाइपोथैलेमस नामक ग्रंथि होती है, जो आपके पिट्यूटरी जो ग्रंथि है उसे स्टिमुलेट करती है, और पिट्यूटरी इन टर्न आपकी ओवरीज को स्टिमुलेट करती है, और ओवरी आपके गर्भाशय के अंदर वो पतली सतह को जन्म देती है, जिसमें बच्चे को रहना होता है उस कोख में। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट नहीं होते हैं तो हर महीने वो आपकी सतह पीरियड्स के रूप में बाहर आ जाती है, जिसे हम पीरियड्स या मेंसेस या अपने भाषा में अलग अलग तौर पे लोग जानते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई गंदा खून है या माहवारी आना कोई गंदगी का विषय है कि आप इस चीज़ से शर्माएं या अशेम्ड फील करें, क्योंकि ये हमारे पुरानी विचारधारा का प्रतीक है कि कई बार लोग कहते हैं कि अब तुम्हें पीरियड्स आ रहे हैं, तुम्हें अचार को नहीं छूना है, तुम्हें किचन में एंटर नहीं करना है। इस तरीके की बहुत सारी बंदिशें पहले देखने में आती थी, लेकिन जैसे जैसे हमारा एजुकेशन लेवल बढ़ा है, इस चीज़ को लोग नॉर्मली एक्सेप्ट करते हैं और इन सब चीज़ों से अब लोग दूर जाना शुरू हो गए हैं। तो अब ये जानते हैं कि बहुत सारे लोगों के मन में ये भावना भरी रहती है कि अगर एक बार लड़की को पीरियड्स आना शुरू हो गए तो उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। पर ये एक मिथ है। आपकी हाइट लगभग 13-14 साल तक बढ़ती रहती है, और हर किसी का हाइट का एक ग्रोथ जो होता है वो डिफरेंट रहता है। पर अगर आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो ये कोई डरने की बात नहीं है। आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो आपका ग्रोथ स्पर्ट लगभग 13 या 14 साल तक चल सकता है। अब बात करते हैं ब्रेस्ट चेंजेस के बारे में। ब्रेस्ट चेंजेस जब आप 8-9 साल के होते हैं तो एक छोटा ब्रेस्ट नोड्यूल होता है, और वो धीरे धीरे करके ब्रेस्ट साइज बढ़ना शुरू होता है, जिसे कि हम थिलार्की कहते हैं, और विभिन्न स्टेजेस उसकी रहती हैं। कई बार हमारे पास ओपीडी में इस तरीके की प्रॉब्लम के साथ भी मदर्स आती हैं कि मेरी बिटिया की ब्रेस्ट तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई है, लेकिन उसे पीरियड्स अभी भी नहीं आए हैं।
तो ये समझना जरूरी है कि पहले ब्रेस्ट चेंजेस होंगे और फिर पीरियड्स आना शुरू होंगे। और अगर ब्रेस्ट शुरू में एक ब्रेस्ट का साइज दूसरी ब्रेस्ट से डिफरेंट है या कम ज्यादा है तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। जब अल्टीमेटली आपकी ब्रेस्ट ग्रोथ करके कंप्लीट साइज हो जाएगा तो वो बराबर हो जाएगी, तो ये कोई भी डरने की बात नहीं है अगर ब्रेस्ट के दोनों में साइज डिफरेंट है। अब बात करते हैं बहुत सारे मेंटल चेंजेस की जो इस एज में हमारी यंग बच्चियां आम तौर पर महसूस करती हैं। मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाते हैं, बहुत से बच्चे टीन एज में जब एंटर करते हैं ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस टेम्परामेंटल हो जाते हैं और उनकी स्लीप भी हालांकि डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है क्योंकि वो सारा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से जो बॉडी में चेंजेस होते हैं तो बच्चे कई बार बहुत ज़्यादा नींद आने की भी कंप्लेंट करते हैं। उनको बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज जैसे कि बॉडी इमेज को लेकर या पीयर प्रेशर रहता है कि तुम्हें पीरियड्स आ गए और मुझे पीरियड्स नहीं आए हैं। कई बार वो अधूरा नॉलेज अपने फ्रेंड्स के थ्रू गेन करते हैं कि पीरियड्स में हमें क्या हिदायत लेनी है या हमें कौन सी पैड को यूज़ करना है, तो वो चीज़ हाइजीन के बारे में या आपको कब पीरियड्स आने हैं और कैसे उन पीरियड्स के टाइम में खुद को मैनेज करना है, वो आप अगर मदर हैं तो आपका ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चे को धीरे धीरे करके इस चीज़ के बारे में अवेयर करना शुरू करें। 8 या 9 साल के बाद आपको बच्चों को ये अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चों का इस टाइम जब पिंपल्स आने लगते हैं चेहरे पे तो सेल्फ एस्टीम बहुत कम हो जाता है, तो उन चीज़ों का भी आप टाइम टू टाइम अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से या गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह करें तो उसका सोल्यूशन हो जाता है। इसके अलावा इस समय में चूंकि बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही होती है या एक ग्रोथ स्पर्ट होती है, जब आप हाइट वेट और बॉडी पार्ट्स भी उनके ग्रो कर रहे होते हैं तो एपेटाइट का इंक्रीज होना भी एक नॉर्मल चेंज है। सलाह यही रहेगी कि जितना हो सके उतना आप फास्ट फूड और प्रिजर्वेटिव फ्री फूड लें और खाना आपका हेल्दी डाइट होनी चाहिए, होम कुक फूड पे स्ट्रेस होना चाहिए। उसके अलावा हाइजीन का, स्पेशली मेंस्ट्रुअल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। एक वीडियो मेरे चैनल पे आपको मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में देखने में मिलेगा, हो सके तो उसे आप अपने यंग बच्चों को ज़रूर दिखाएं ताकि उन्हें पता लगे कि उन्हें अपना ख्याल इस दौरान कैसे रखना है। इसके अलावा बच्चे को कहीं ना कहीं आपको सेक्सुअल अवेयरनेस या उन चीज़ों के बारे में अवेयर कराना घर पे ही बहुत ज़रूरी है जिनसे उन्हें बचाया जाना चाहिए। इवन कि सर्वाइकल कैंसर से भी बचने का एक वैक्सीन अवेलेबल है जो हमारी बच्चों को अगर हम पहली महामारी से पहले अगर उस वैक्सीन को दें तो उसका इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा होता है और वो बहुत इफ़ेक्टिव रहती है 90% तक। तो ये वो समय है जब आप अपनी बेटियों के लिए कुछ डिसाइड करना चाहते हैं, वो आपको डिसीजन लेना टाइमली ज़रूरी है। इसके अलावा बच्चों को इनक्रेज करिए बाहर जाके वो अपना एक्सरसाइज करें, खुली हवा में टहलें या कुछ गेम्स प्ले करें ताकि उनकी फिज़िकल जो ग्रोथ हो रही है वो पूरे तौर पर हो सके। इवन शुरू के जो महावारी होती है उसमें बच्चे थोड़ा पेन फ्री करते हैं, फील करते हैं, तो आप उनको थोड़ा सा हॉट वाटर बॉटल से फोमेंटेशन करना या कुछ ओवर द काउंटर हमें ड्रग्स होती हैं जो पेन के लिए हम दे सकते हैं, पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करिए अपनी बिटिया को कि वो नॉर्मल अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से बिताए ताकि उसको ये प्यूबर्टी वाला जो फेज़ है वो इसे हंसी खुशी अपना स्पेंड करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी बेटियों को इस बात में जागरूक करें कि प्यूबर्टी, दिस पी मीन्स पीरियड्स एंड पीरियड्स मीन्स पावर, मीन्स भगवान ने आपको ये शक्ति दी है कि अब आपको महावारी आना शुरू हो गई है तो आपके अंदर वो क्षमता है कि आप नए एक जीवन को जन्म दे सकती हैं। तो प्यूबर्टल चेंजेस से घबराना नहीं है पर उनसे डील करना है समझदारी से। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ जानकारी अच्छी जानने को मिली होगी। हो सके तो इस वीडियो को बहुत सारे लोगों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।